जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ने वाले हैं विटामिन और उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी एस्कार्बिक एसिड, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल और ऑप्शन डी रेटिनॉल। फ्रेंड्स, अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। तो हम बताते हैं, इसका जो है राइट आंसर होगा रेटिनॉल, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो है इसका जो राइट आंसर होगा, जो इन्फेक्शन को रोकता है, ए विटामिन ए इसका राइट आंसर होगा जो इन्फेक्शन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वह विटामिन ए होगा जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी बैंगन, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी चावल। फ्रेंड्स, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो है वह गाजर है, इसलिए फ्रेंड्स ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी त्वचा में, ऑप्शन सी फुसफुस में, ऑप्शन डी वृक्क में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में लिखिए, और जो है वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर होगा वह यकृत होगा, यकृत में जो है विटामिन ए भंडारित होता है, इसलिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए फंक, ऑप्शन बी मैकुलन, ऑप्शन सी हॉपकिंस, ऑप्शन डी होलकट। फ्रेंड्स, विटामिन ए और बी की आविष्कारक जो है वह मैकुलन है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। परजीवी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप्स स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी आवश्यक अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी लाक्षणिक मंड। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा विटामिन ए, ए ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी अमरूद और ऑप्शन डी आम। फ्रेंड्स, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत जो है वह आम में पाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन है, गोल्डन चावल जिसे एक प्रचुरतम स्रोत, गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। फ्रेंड्स, गोल्डन चावल का जो जो है महत्वपूर्ण स्रोत होता है वह विटामिन ए होता है, ए इज राइट आंसर। ए जो है फ्रेंड्स इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, रतौधि किस विटामिन के कमी से होता है? रतौधि किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा विटामिन ए की कमी के कारण
रतावधि होता है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ऑप्शन ए बालों का झड़ना, ऑप्शन बी पेचिश, ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी कमजोरी। फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इसका हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, ऑप्शन ए रेटिनॉल, बी एस्कॉर्बिक एसिड, और सी थायमिन, और डी टोकोफेराल। फ्रेंड्स, विटामिन जो है बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन है, बेरीबेरी रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है, बेरीबेरी रोग जो होता है वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन ए विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी वन, विटामिन ए। फ्रेंड्स, बेरीबेरी जो रोग होता है वह विटामिन बी वन की कमी के कारण होता है, सी इज राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 14वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न विटामिनों में किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, फ्रेंड्स कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन बी ट्वेल्व, ऑप्शन सी विटामिन बी सिक्स, ऑप्शन डी विटामिन बी टू। फ्रेंड्स, कोबाल्ट जो है विटामिन बी ट्वेल्व में पाया जाता है, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 15वें नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है, ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी फिलोक्विनोन, ऑप्शन सी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी बायोटिन। फ्रेंड्स, बी सेवन का जो है रासायनिक नाम बायोटिन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह डी होगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 16वें नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुषों में क्या होता है, विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुषों में क्या होता है, ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरीबेरी, ऑप्शन डी अरक्तता। फ्रेंड्स, जो है विटामिन बी सिक्स की कमी से अरक्तता नामक रोग पुरुषों में होता है, इसलिए फ्रेंड्स डी इज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में साइनोकोबालमिन है, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन बी टू, ऑप्शन सी विटामिन बी सिक्स, ऑप्शन डी विटामिन बी ट्वेल्व। फ्रेंड्स, साइनोकोबालमिन जो है वह विटामिन बी ट्वेल्व को कहा जाता है, इसका जो है डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हमारा 18वें नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन डी टोकोफेराल। फ्रेंड्स, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 19वें नंबर का क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन बी। फ्रेंड्स, स्कर्वी रोग जो होता है वह विटामिन सी की कमी के कारण होता है, इसलिए फ्रेंड्स ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आज का 20वें नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह है, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। फ्रेंड्स, जो खट्टे फलों में पाया जाता है वह विटामिन सी होता है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला नंबर का क्वेश्चन है, 21 नंबर का, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन बी सिक्स, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ए। फ्रेंड्स, गर्म करने पर जो है वह विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है,
इसलिए सी इज राइट आंसर होगा 21 नंबर का। 22वें नंबर पे आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। फ्रेंड्स, मसूड़ों से रक्त आना और दांतों का हिलना विटामिन सी की कमी के कारण होता है, इसलिए फ्रेंड्स सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हमारा 23वें नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए दूध, बी मांस, सी गाजर और डी आंवला। फ्रेंड्स, विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वह आंवला होता है, इसलिए फ्रेंड्स डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 24वें नंबर का क्वेश्चन है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन ई डी विटामिन ई। फ्रेंड्स, सब्जियों को धुलने से विटामिन सी जो है वह निकल जाता है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन है कोलेकैल्सिफेरॉल का रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? ऑप्शन ए हड्डी कैल्शियम, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी और ऑप्शन डी विटामिन सी। फ्रेंड्स, कोलेकैल्सिफेरॉल का रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी होता है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, बी अंडा और सी दूध और ऑप्शन डी हरी सब्जी। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत में यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। मछलियों के यकृत में जो है विटामिन डी बहुतायत में पाया जाता है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। ऑप्शन ए विटामिन ए की, बी विटामिन बी वन की, सी विटामिन डी की और डी विटामिन ई की। यदि बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है तो अस्थियां जो है मुड़ जाती हैं, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। फ्रेंड्स, विटामिन सी जो है शरीर में भंडारण नहीं होता है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए एनीमिया, बी तपेदिक, सी रिकेट्स, डी स्कर्वी। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, सन साइन विटामिन है? ऑप्शन ए बी विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। फ्रेंड्स, सन साइन सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर का क्वेश्चन है, कौन विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, बी राइबोफ्लेविन, सी पायरेडॉक्सिन और डी टोकोफेराल। फ्रेंड्स, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है, डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए ताड़ का तेल, ऑप्शन बी नारियल का तेल, ऑप्शन सी गेहूं अंकुर का तेल और ऑप्शन डी राई का तेल। फ्रेंड्स, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो है गेहूं अंकुर का तेल होता है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है, नपुंसकता या बंधता किस विटामिन कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। नपुंसकता जो है वह विटामिन ई की कमी के कारण होता है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इसका हमारा 35वां नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषता के लिए महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन ए दांतों के विकास के लिए, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, ऑप्शन सी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, ऑप्शन डी उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए।
फ्रेंड्स, विटामिन ई विशेषता जो है वह लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्सिफेरॉल, बी टोकोफेरॉल, सी नियासिन और डी फिलोक्विनोन। फ्रेंड्स, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई। रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के सहायक होता है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द जो है किसने दिया था? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी कैसिमीर फंक, ऑप्शन सी लुई पाश्चर, ऑप्शन डी सिनक्लेयर। तो फ्रेंड्स, विटामिन शब्द जो है कैसिमीर फंक ने दिया था। बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है वह तीनों होता है, ए के ए डी। उपरोक्त अर्थात उपरोक्त सभी जो है वह वसा में घुलनशील होते हैं। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन सी जो है विटामिन सी और ऑप्शन सी जो है विटामिन ए व बी दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, जल में घुलनशील जो है वह बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सभी विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, उपरोक्त विकल्प ए और बी दोनों सही होगा। सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में से किसे संरक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी वसा। रक्षात्मक पदार्थ दोस्तों विटामिन को कहा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स ए इज राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे 41 प्रश्न जो विटामिन और उससे संबंधित हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।